लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 63%, राजस्थान में 50 व बंगाल में सबसे ज्यादा 77% वोट डाले गए। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी पर वोटिंग हो रही है। छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 25 के पाटनी टॉकीज क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। हाथापाई के साथ साथ दोनों तरफ से एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। पीएम मोदी शुक्रवार दोपहर में दमोह में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि वे जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। अब उनके वकील सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल के घर से 48 बार खाना आया है, उसमें से केवल 3 बार ही आम आए थे। मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 मार्च से जारी है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। कैंडिडेट्स एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छिंदवाड़ा मेयर में 18 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके के अचानक से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की खबर ने सबको चौंका दिया था। अब फिर से उनके बीजेपी छोड़कर और नकुलनाथ के पक्ष में वोट करने की अपील के एक वीडियो ने सबको चौंका दिया है। भारत ने फिलीपींस को ब्राह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप शुक्रवार को सौंप दी। ब्राह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश है। भारत ने जनवरी 2012 में फिलीपींस को ब्राह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए 3,130 करोड़ रुपए की डील की थी। हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल को यह डर सता रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने के आरोप में इजराइल के कई राजनेता और मिलिट्री लीडर्स के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया। दिनेश त्रिपाठी वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की जगह लेंगे। वे 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो रहे हैं। दिनेश त्रिपाठी इसी दिन पदभार संभालेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में 34वें मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हुआ। मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा।